जो मुस्कुरा रहा है उसे गांवों ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके ही पांव में तो छाला होगा। और बिना कुछ किए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता है दोस्तों, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। नमस्कार साथियों, संडे मोटिवेशन मंत्रा में आपका स्वागत है और सुबह के 7 बजे हम जुड़ गए हैं मोटिवेट होने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको जीवन में सफल होने के लिए कुछ सूत्र देने जा रहा हूँ। इन सूत्रों को अपने साथ ले जाइए और जीवन में उपयोग में लेकर आइए, फिर देखिए जीवन कैसे खुशनुमा हो जाता है और कदम कदम सफलता मिलेगी, क्षण क्षण खुशी मिलेगी और आप जीवन में बहुत मोटिवेटेड रहेंगे। तो सबसे पहला सूत्र जो आप लेकर जाएं वो ये कि सकारात्मक सोच सकारात्मक बदलाव लेकर आते हैं। इस बारे में बहुत कुछ लिखा गया और बोला गया है, मैंने भी कई बार कई सारे वीडियोस में बोला है, लेकिन इसे ध्यान से समझ लें कि सोच को बदलने से सितारे बदल जाते हैं, नज़रिए को बदलने से नज़ारे बदल जाते हैं और कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं होती है, दिशाओं को बदलने से किनारे बदल जाते हैं। साधारण सा नियम है दोस्तों जीवन का। बुद्ध 2300 साल पहले बोल गए, धम्मपद का पहला ही सूत्र है कि हम जो कुछ भी हैं हमारे विचारों के कारण हैं। सकारात्मक सोच से अगर जीवन में सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं तो भी हम क्यों नकारात्मकता में पड़े हुए हैं। आज ही अपनी सोच को बदलिए, सकारात्मकता की दिशा में आगे बढ़िए। और अगर आप सकारात्मक नहीं हो पा रहे हैं तो कोशिश करिए कि पॉजिटिव लिटरेचर पढ़िए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए, सकारात्मक बातों को सुनिए। लेकिन सकारात्मक होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे आसपास नेगेटिविटी नहीं होगी। जी हाँ, होगी। पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों मिलेंगे तभी तो फिलामेंट जलेगा, तभी तो रोशनी होगी। तो जीवन ऊर्जा के लिए भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही भावनाएं जरूरी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आदमी सकारात्मक ही होता चला जाए और नकारात्मक चीजों को ध्यान में न ले। लेकिन सकारात्मक होने का मतलब केवल इतना है कि आप नकारात्मकता को हावी नहीं होने देना चाहते। इस बात को ठीक से समझ लीजिए। सकारात्मक होने का मतलब है कि आप नकारात्मकता में भी कुछ अच्छी बात ढूंढ लाते हैं। जैसे कहा जाता है कि जब कभी आसमान अंधेरा होता है आसमान में, तभी तो तारे चमकते हैं। तो आप अंधेरे को देखकर न रोएं, तारों को चमचमाते हुए देखकर मुस्कुराएं। ये है सकारात्मकता। फूल होगा तो साथ में कांटे भी होंगे, लेकिन आप कांटों को देखकर दुखी न हों, फूल की खुशबू का आनंद लें। ये है सकारात्मकता। तो जीवन में सकारात्मक होना, सकारात्मक सोच रखना सकारात्मक बदलाव लेकर आता है। ये पहला सूत्र है आपके लिए। दूसरा सूत्र है सही समय पर सही निर्णय लेना। देखिए, ये काम आसान नहीं है, थोड़ा सा कठिन है कि सही समय क्या है, सही निर्णय क्या है, इसकी परिभाषा कौन देगा। कहा तो ये जाता है कि निर्णय हम लेते हैं और समय बताता है ये सही था या नहीं था। कहीं रतन टाटा साहब ने कहा है कि मैं सही निर्णय नहीं लेता, निर्णय लेकर उसे सही ठहराता हूँ। इसका मतलब तो यह है कि निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग जो है, यह बहुत जरूरी है जीवन में। मैं आपको बताऊं कि दूसरों के निर्णय दुख का कारण होते हैं, लेकिन स्वयं आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपके लिए कभी दुख का कारण नहीं होगा। कहीं कहा भी गया है कि क्यों डरें जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। उस तजुर्बे के लिए, उस एक्सपीरियंस के लिए जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा, निर्णय लीजिए और निर्णय को सही साबित करिए अपने कर्म से। जब आप ठीक काम करेंगे डिसीजन लेने के बाद और आपको सही परिणाम मिलेंगे तो कहा जाएगा कि ये निर्णय सही था। तीसरा सूत्र, कोशिश करते रहना और संघर्षरत रहना। देखिए, जब कहते हैं कि कोशिश की जानी चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रयास आधे मन से करें। कुछ लोग समझते हैं कोशिश करने का मतलब है प्रयास आधे मन से करना। ना ना, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने का मतलब अधूरे मन से प्रयास नहीं होता दोस्तों। कोशिश करने का मतलब होता है कि अगर एक बार असफल हो गए हों तो उससे सीख लेकर के वापस से प्रयास करना, ये कोशिश करने का मतलब होता है। कहा भी गया है, इफ फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन। तो संघर्षरत रहना, संघर्षशील रहना, प्रयासरत रहना, ये सफलता प्राप्त करने का तीसरा महामंत्र है। चलते हैं चौथे सूत्र की ओर। चौथा महत्वपूर्ण सूत्र है कि कभी भी किसी को छोटा मत समझिए, कभी भी किसी को नीचा मत दिखाइए। आप समझिए कि जीवन में आप जो कुछ भी हैं वो आपके अपने कारण नहीं है, उसके कई कारक होते हैं, आपके आसपास के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके मित्र, और इन सब का आपके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसी को भी छोटा दिखाना, किसी को छोटा समझना, किसी को नीचा दिखाना, ये आपके अपने छोटे होने और नीचे होने का परिचायक है। मैंने सुना कि एक बार किसी ने एक नाटे कद के सन्यासी से पूछा कि बड़े होने का क्या उपाय है, कैसे बड़ा हुआ जाता है, और सन्यासी ने कुछ नहीं कहा, सामने झुक गया।
मतलब झुक करके ही बड़ा हुआ जाता है। ध्यान से समझना इस बात को, हर वो व्यक्ति बड़ा है जो दूसरे को बड़ा समझता है, नहीं तो जितने बड़े हैं सब दही में पड़े हैं। इस बात को समझ के चलिए। तो दूसरों को नीचा मत दिखाइए, लोगों के प्रति कृतज्ञ होइए, किसी को छोटा मत दिखाइए। ये सफलता का चौथा महामंत्र है। चलते हैं पांचवें सूत्र की ओर, और पांचवा सूत्र है समय का सदुपयोग करना। दोस्तों, कई बार आपने लोगों को सुना होगा कहते हुए कि मैं ये काम टाइम पास करने के लिए कर रहा हूं। ध्यान रखिए, कभी भी आप टाइम को पास नहीं कर सकते, टाइम ही आपको पास कर रहा है। दोस्तों, समय नहीं बीत रहा है, हम बीत रहे हैं। तो कौन सा समय आपने कहां उपयोग में लिया है, ध्यान रखिए, वो आपको दोबारा लौट कर नहीं मिलेगा। कहा जाता है, धन एक बार चला जाए तो वापस कमाया जा सकता है, सम्मान चला जाए तो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन समय बीत गया तो वो वापस कभी नहीं आता। तो एक एक क्षण कीमती है दोस्तों, इसका सदुपयोग करिए। जीवन को आगे बढ़ाने में, सकारात्मक सोचने में, कुछ नया सीखने में, इन सब में इसका उपयोग करिए। एक सेकंड भी आपका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगर आप समय गंवा रहे हैं, इसका मतलब है आप जीवन गंवा रहे हैं। सफलता का छठा सूत्र, छठा और महत्वपूर्ण सूत्र है, मंत्र है, स्वयं के काम की समीक्षा करना। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। एक बार ऐसा हुआ कि एक घर में काम करने वाला एक व्यक्ति जो घरेलू काम कर रहा था, पास की किसी टेलीफोन बूथ में जाकर अपने घर में फोन लगाता है जहां वो काम कर रहा था, और कहता है कि मुझे पता चला है कि आपको आपके घर के लिए काम करने वाले व्यक्ति की जरूरत है। जो मालिक होता है घर का, वो कहता है नहीं, हमारे यहाँ ऑलरेडी एक लड़का काम कर रहा है। तो ये कहता है वो क्या काम करता है, तो बताता है कि घर की साफ सफाई का काम करता है, और जो कुत्ते हैं घर में उनको देख रेख करता है, और साथ ही वो किचन का भी कुछ काम कर लेता है। ये कहता है मैं और भी कुछ काम कर सकता हूँ उसी कीमत में, उसी सैलरी में जो आप उस लड़के को दे रहे हैं, मैं कुछ और भी काम कर सकता हूँ। वो कहता है कि मैं आपकी गाड़ी भी धो दूंगा, और आपके ऑफिस के कुछ काम है तो वो भी कर दूंगा, और आप चाहें तो उससे मुझे पैसे कम भी दे देना। जो मालिक है वो कहता है कि नहीं, जो लड़का हमारे साथ काम कर रहा है, हम उसके काम से पूर्णतः संतुष्ट हैं, हमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, जो फ़ोन कर रहा था ये वही लड़का था जो उनके घर में काम कर रहा था, और फ़ोन क्यों किया था इसने, ताकि उसके काम की समीक्षा हो सके। अब वो समझ चुका था कि उसका काम ठीक है। ये कहानी छोटी सी है, लेकिन हमें बताती है कि हमको अपने काम की समीक्षा करनी चाहिए, वो भी उसकी नज़रों से जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। अपने काम पर घमंड करना कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। काम की समीक्षा करना, अपने आप को अपग्रेड करना, ये आपको सफलता की ओर ले जाएगा। सफलता का सातवां महामंत्र, सफलता का सातवां और आखिरी महामंत्र ये है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। दोस्तों, ये जो शरीर है ये आपका एकमात्र घर है जहां आपको अंतिम सांस तक रहना है। इसके प्रति लापरवाही किसी काम की नहीं है। कहा भी गया है कि पहला सुख है निरोगी काया। अगर आप जीवन में सफल भी हो गए, खूब सारा पैसा भी कमा लिया, लेकिन अगर आपका शरीर आपके साथ नहीं है, अगर आप रोगग्रस्त हैं, बीमार हैं किसी तरह से, तो क्या आप उस सफलता का मजा ले पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो करना यह है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है। रोज कम से कम 10,000 कदम चलना है। सप्ताह में 2 बार कम से कम आधे घंटे के लिए जिम को हिट करना है, या कम से कम रोज 15 से 20 मिनट योग या ध्यान के लिए समय निकालना है। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हैं। और अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, तो किसी भी तरह की सफलता हमारे किसी काम की नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों, सफलता के इन 7 महामंत्रों को सीढ़ी की तरह उपयोग कर आप अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे, और आपका लक्ष्य चाहे पहाड़ से भी जितना बड़ा हो, आराम से आप उसकी चोटी को फतह कर पाएंगे। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से, शेयर करते रहना है, लोगों को मोटिवेट करते रहना है, और खुद भी मोटिवेटेड रहना है। जुड़े रहिए।